हाउ आर यू ऑल। मैं आज आपका स्टैंडर्ड 2nd का जनरल नॉलेज लेने वाली हूँ, जिसका फर्स्ट चैप्टर है प्लांट्स एंड फ्रूट्स। तो इस टॉपिक में हमें प्लांट्स और फ्रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने, जानकारी लेने की है। तो प्लांट्स और फ्रूट्स में क्या होता है? प्लांट्स, ये आप यहाँ पे प्लांट्स के पिक्चर देख रहे हो, तो उसके जो पार्ट होते हैं उसके बारे में हमें सीखना है कि प्लांट है उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको क्या क्या कहते हैं। तो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उसमें पहले तो आता है लीव्स आते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं उसको लीव्स कहते हैं, लीव्स। उसके बाद आता है फ्लावर्स, प्लांट में फ्लावर्स भी होते हैं। फिर सीड यानी कि इसके जो फ्रूट होते हैं उसके अंदर जो बीज होते हैं उसको सीड्स कहते हैं। फिर आता है स्टिंग, ये जो आप देख रहे हो उसको स्टिंग कहते हैं। फिर आता है रूट्स, जो ज़मीन के नीचे होते हैं, जिसकी जड़ें होती है ना पौधे की, उसको रूट्स कहते हैं। और फ्रूट, फ्लावर पहले पौधे में फ्लावर आते हैं, फ्लावर में से फ्रूट बनता है, ये है फ्रूट। तो ये जो सारे पार्ट हमने देखे, फ्लावर, लीव्स, सीड्स जो फ्रूट के अंदर है, सीड्स, स्टीम, रूट्स और फ्रूट, वो जो सारे पार्ट है वो प्लांट के पार्ट से, जो सारे पार्ट है वो प्लांट के पार्ट से। तो अब हम जो प्लांट्स के पार्ट्स है उसके नेम लिखेंगे। तो पहले क्या आता है? फ्लावर। फ्लावर का स्पेलिंग होता है FLOWER, फ्लावर। आप ये जो फ्लावर है वो देख सकते हो। फ्लावर के बाद क्या आता है? लीव्स। तो अब हम लीव का स्पेलिंग लिखेंगे, LEAVES, लीव्स। लीव्स के बाद क्या आता है? सीड्स। सीड्स जो फ्रूट होता है उसके अंदर होते हैं, जो बीज होते हैं उसे सीड्स कहते हैं। सीड्स का स्पेलिंग होता है SEEDS, सीड्स। सीड्स के बाद क्या आता है? स्टीम। पौधे की जो डाली होती है उसे स्टीम कहते हैं, ये आप देख सकते हो, इसे स्टीम कहते हैं। स्टीम का स्पेलिंग होता है STEM, स्टीम। स्टीम के बाद आता है रूट्स, जो जड़ें होती है ना पौधे की उसे रूट्स कहते हैं, ये रही रूट्स। रूट का स्पेलिंग होता है ROTS, रूट्स। रूट्स के बाद आता है फ्रूट, ये है फ्रूट। फ्रूट का स्पेलिंग होता है FRUITS, फ्रूट्स। हम वापस एक बार ओरल कर लेंगे, FLOWER, फ्लावर, LEAVES, लीव्स, SEEDS, सीड्स, STEM, स्टीम, ROTS, रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। अभी हमने जो स्पेलिंग ओरल करे वो सारे प्लांट्स के पार्ट्स के नेम थे। थैंक यू।